नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई न्यूज वीडियो देख पाए सबसे पहले। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही। दुबई में देर रात दिल का दौरा पड़ने से 54 साल की इस अदाकारा का निधन हो गया। वे बांजे मोहित मारवा की शादी में शरीक होने के लिए दुबई गई हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रियंका चोपड़ा समेत तमाम कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अमिताभ ने देर रात ट्वीट कर कहा, न जाने क्यों एक अजीब सी घबराहट हो रही है। श्रीदेवी को 2013 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। श्रीदेवी पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ अपने भांजे मोहित मारवा की शादी में शरीक होने दुबई में थी। परिवार के मुताबिक देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। करीब 11:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार मुंबई में होगा। उनके पार्थिव शरीर को दुबई से लाया जा रहा है। बोनी कपूर के परिवार के लोग शादी के बाद दुबई से लौट आए थे, लेकिन बोनी, श्रीदेवी और खुशी वहीं रुक गए थे। बड़ी बेटी जानवी अपनी एक फिल्म की शूटिंग के चलते दुबई नहीं जा पाई थी। जूली से किया था डेब्यू। 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में जन्मी श्रीदेवी ने 1975 में आई फिल्म जूली से डेब्यू किया था। इसमें वे चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आई थी। 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बता दें कि श्रीदेवी ने आखिरी बार मॉम फिल्म में काम किया था, जो 7 जुलाई 2017 को रिलीज हुई थी। इसके पहले वे 2012 में आई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में नजर आई थी। श्रीदेवी ने फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से 1996 में शादी की थी। दोनों की लव स्टोरी फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 की शूटिंग के दौरान शुरू हो गई थी। श्रीदेवी का डेब्यू 1978 में 16वां सावन से माना जाता है। हिम्मत वाला, मवाली, तोहफा, नगीना, आखिरी रास्ता, कर्मा, मिस्टर इंडिया और चांदनी समेत कई फिल्मों में काम किया। 1983 में कमल हसन के साथ आई फिल्म सदमा में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया। 1989 की चालबाज, 91 की लम्हे और 92 में आई खुदा गवाह में वे डबल रोल में नजर आई थी। 1996 में उन्होंने शाहरुख खान के साथ आर्मी में काम किया। वे शाहरुख की आने वाली फिल्म जीरो में भी एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगी। नरेंद्र मोदी ने श्रीदेवी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, श्रीदेवी की एकसमायिक मृत्यु से दुखी हूँ। वह फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी कलाकार थी, जिनके लंबे कैरियर में विविध और यादगार भूमिकाएं शामिल हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ट्वीट किया है, श्रीदेवी मैम के निधन की खबर सुनकर हैरान और परेशान हूँ। प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट कर कहा, मेरे पास शब्द नहीं है। श्रीदेवी को प्यार करने वाले हर शख्स के प्रति संवेदना। एक काला दिन, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर चौंक गया हूँ। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। श्रीदेवी को हिंदी फिल्मों की पहली फिल्म सुपरस्टार भी कहा जाता था। भारत सरकार ने 2013 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में।